यह है अपना पोकेमॉन डे 3 आ चुके हैं बिल्ले ब्रदर्स इन द डेजर्ट बायोम और कॉकरोचेस का कुछ अता पता नहीं, फिर भी जो भी है अच्छा है। बल्ले के हम कच्चा बचास ओए हमसे कोई अच्छा नहीं है। आगे देखिए भैया पोकेमॉन पाना हर एक को। हे क्या शुरुआत हुई है डे 3 का भैया, फिर भी चलो डिजिट बॉय में आ गए भैया, ये तो आगे टीम रॉकेट है। टीम रॉकेट हमारी लंबी है हाइट, सरेंडर करो या फिर करो हमसे फाइट। ओए टीम रॉकेट, ओए टीम रॉकेट को छोड़ोगे मेरे पीछे से बचना होगा। ये पीछे तो पीछे ही पड़ गया भैया। ओए एक रही इधर पीछे का पूरा झुंड है। ओए चल पिकाचू को निकाल दे, पिकाचू हमारा हिफाजत करेगा। क्या रे पहले टीम रॉकेट से लड़ के दिखाओ। हे या तो फिर हो जाए पिकाचू टीम रॉकेट के साथ एक फाइट। टीम रॉकेट का इज्जत रखना, पिकाचू हार मत मानना। पिकाचू अगर कर सकते हो तो थंडरबोल्ट अटैक अभी कर दो। ओए पिकाचू अभी थंडरबोल्ट अटैक करने तैयार नहीं है, लेकिन क्यूबॉन को हरा ही देगा। क्यूबॉन क्यूबॉन अटैक, अरे ये क्यूबॉन 2.0। हे इसके पास क्यूबॉन है भैया, और इसको हमारा चार्मेंडर हराएगा। चार्मेंडर फ्लेम अटैक के लिए तैयार हो जाओ। बम अटैक अभी क्या भी क्यूबॉन है हमारा चार्मेंडर। अब हमारा विपिन बेल मजा चुकाएगा इस क्यूबॉन के बच्चे को। क्यूबॉन विपिन बेल का पोजन अटैक अभी क्या भी। सच पूछते तू यार पोजन अटैक कर दिया भैया। तो फिर चलो हो जाए बटरफ्ली के साथ एक आखिरी मैच। क्यूबॉन बटरफ्ली को भी पोजन अटैक करके बेहोश कर दो। हे यार बटरफ्ली तुम इस फाइट को जीत नहीं होगा, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगा टीम रॉकेट से वो भी। हाँ हम टीम रॉकेट से हार नहीं सकते। और क्यूबॉन को हरा ही दिया फाइनली। क्यूबॉन 3.0, अरे नहीं मैं भूल गया वो तो हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज है। तो तुम लोग ये मैच जीत गए, लेकिन अगली बार मैं तुम लोग को देख लूंगा। ओके यार अगली बार हो जाए टीम रॉकेट। भाग गया भैया और हमें एक और मैच मिल गया। अभी होगी आगे फोकस कर। ओए सैंड बायोम्स के पोकेमॉन्स पकड़ना होगा होगी जैसे भी करके, अगर हमें ताकतवर बनना है तो। बिल्कुल मुझे बनना है इस वर्ल्ड का सबसे खतरनाक पोकेमॉन ट्रेनर। बनना चाहता अगर तुम जबरदस्त तो पकड़ना होगा इस सैंड स्लैश को। हे भैया लेकिन ये तो डॉज किया जा रहा है। अरे सैंड स्लैश है फाइनली आ गया भैया। ओए अब आ ही जाएगा ना। ओगी वो बाहर निकल गया वो पोकेबॉल से। हे एक और बार पकड़ूंगा मैं सैंड स्लैश को। सैंड बायोम से सैंड स्लैश को तो लेके रहूंगा। ओए इस बार तो आ गया। ओ इस बार भी बाहर निकल गया। ओ ये तो हमारे ही आगे आ रहा है। ओगी भाग। हे भैया पोकेबॉल से भाग के नहीं जा सकते हम, और फिर भी हमें रोकना होगा। आगे फिर से पीछे भी आ गया। ओए तो पिकाचू कब काम में आएगा। पिकाचू तैयार हो जाओ, अगर पीछे आ गया है तो उसको खत्म कर डालेंगे। लेकिन अभी पीछे एकदम साथ बैठा है, इसको छोड़ सैंड स्लैश को पकड़ना होगा। सैंड स्लैश के बच्चे ये तो आ गया ओए पोकेबॉल के अंदर। लेकिन भैया यार ये फिर से पोकेबॉल तोड़ के बाहर आ जाता है। ओए यार ये इसको कैसे पकड़े तो फिर। एक ही सोल्यूशन है भैया, कोशिश करते रहना होगा। है इसने तो अटैक भी कर दिया। ओए ये तो पिकाचू से भिड़ने लगा मुन्ना। है ये भोका भैया, पिकाचू इसको लड़के थोड़ा सा कमजोर बना देगा, तब हम इसको पकड़ लेंगे अपने पोकेबॉल के अंदर। ओए इस बार तो हमने कर लिया, ये हो पाएगा क्या। ओके फिर से भाग गया। ओए एक और बार कोशिश करेंगे, जब तक नहीं होगा तब तक करते रहेंगे। ओ इस बार आ गया मुन्ना फाइनली, हमने सैंड स्लैश को पकड़ लिया। हे यार भैया, अरे पिकाचू तुमने तो कमाल कर दिया। चलो भैया यार सैंड स्लैश को देखते हैं, हमारा नया पोकेमॉन सैंड स्लैश। अरे यार भैया कितना खतरनाक लग रहा है। ओए मुन्ना लगेगा ना सैंड स्लैश का वो इवॉल्व रूप जो है, ये हमारा पहला इवोल्यूशन पोकेमॉन है मुन्ना। हां सच में क्या भैया, हमने तो कमाल कर दिया भैया। ये आगे देखिए एक शाइनी पिजियोटो। ओए शाइनी पिजियोटो सच में क्या, वो इसको तो पकड़ना होगा। ओके हे लेकिन ये झुंड के साथ है भैया, पहले इसको झुंड से अलग करना होगा। ओए अभी अलग बैठा है। ओए सैंड स्लैश अब तुमको ये काम करना होगा। ओए पिजियोटो को सब मिलके पकड़ेंगे। हां बिल्कुल सही सैंड स्लैश, हम भी पीछे पीछे, तुम्हें बस पिजियोटो को अटैक करना होगा जब वो हमें अटैक करे। आ गया है अटैक करने के लिए भैया। ओए सैंड स्लैश हमारा पीछे एकदम दमदार काम कर रहा होगा। ओए सैंड स्लैश और पिजियोटो का कहीं यार बहुत खतरनाक वाली फाइट ना हो जाए, जल्दी से इसको पकड़ लेती है। ओए यार पिजियोटो मरने वाला है होगी। अरे यार ये नहीं होने देंगे हम। अरे यार मास्टर बॉल से पकड़ा है भैया, हाना तो जरूर चाहिए। हमने पिजियोटो को भी पकड़ लिया फाइनली, वो भी यार साइडी वाला।
और फाइनली एक ही दिन में हमने दो दो पोकेमोन पकड़ लिया तेजी के अंदर। हाँ भैया, और यार इस बीच अबर यार कई पोकेमोन बेहोश भी है, फेंटेड है, मतलब कि भैया उन लोग को भी लेके हॉस्पिटलाइज करेंगे। हाँ चल यार, इन सभी को लेके पोकेमोन सेंटर जाएंगे। और अब बस एक जिम क्लब में जाना है, लेकिन उससे पहले होगी हमें एक दमदार वाले वाटर टाइप पोकेमोन को पकड़ना होगा। हे भैया, हमारे पास गोल्ड ईयर मैजिक कप है ना, और उनको तो कोई और वाटर टाइप पोकेमोन आसानी से हरा देगी होगी। और मुझे पता है कौन सा वाला वाटर टाइप पोकेमोन पकड़े, ताकि हम यार कोई भी जिम क्लब ओनर को हरा पाए। और उससे आगे बुना वो कॉकरोच गैंग हमें चैलेंज करके गए ना, उनको दिखाएंगे बुना हमें पकड़ना है एक गैरेडोस को होगी। भैया मजाक तो नहीं कर रहे हो ना, गैरेडोस किस टाइप का पोकेमोन है आपको पता तो है ना? पता है, एक वाटर टाइप पोकेमोन, लेकिन उससे आगे उसको एक वाटर मॉन्स्टर कहते हैं। भैया तू मुझे बस सिखाओगी, तुझसे पहले मैं पोकेमोन ट्रेनर था, और उसको हम जैसे भी करके पकड़ेंगे। कल रात ही मैंने पिछले ओशियन में उसको देखा था, और अब हम उसको पकड़ के रहेंगे। चल बस अभी तो हमें पूरा तैयारी करना होगा, गोल्ड ईयर मैजिक अब सबसे पहले पानी के अंदर जाएंगे, और बाकी के हमारे पोकेमोन बाहर रह के पूरा हिफाजत करेंगे। और जब भी हमें गैरेडोस दिखाई देगा ना, साथ मिलके अटैक करेंगे, समझ गए ना? गैरेडोस एक मॉन्स्टर टाइप पोकेमोन, और हमारे ये जिंदी पोकेमोन क्या हम मिलके भैया कर सकते हैं क्या? कोशिश करने वाला का कभी हार नहीं होता होगी। ओके तो ठीक है, मैं अपने पोकेमोन्स को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। पिजियोटो को इधर छोड़ दिया, और जैसे कि प्लान के मुताबिक गोल्डीन और मैजिक कप पानी के अंदर रहेंगे, तो गोल्डीन को छोड़ दिया, मैजिक कप को भी इधर छोड़ दिया। और भैया लेकिन एक बात, हम चार्मेंडर को इस फाइट में नहीं ले सकते, क्योंकि वो एक फाइट टाइप पोकेमोन है। आगे मुझे भी पता है, और उसके पूछ में पानी हम लगने नहीं दे सकते, इसीलिए चार्मेंडर इस फाइट से बाहर रहेगा। हाँ भैया, और वैसे भी हमारे सभी पोकेमोन्स को तैर आता है या फिर नहीं वो भी पता नहीं। भैया ये बहुत रिस्की वाला एक चैलेंज होगा। हाँ रिस्क तो होगा ना मुन्ना, हम यार गैरेडोस को पकड़ने के लिए जा रहे हैं। और चल अब हमें पानी के बीचों बीच जाना होगा, सभी के सभी हमारे पोकेमोन तैयार है ना? हाँ, ये कोई इजी फाइट नहीं होने वाला, हम लड़ने वाले हैं गैरेडोस से। और अभी इनका यार क्या कर रहे हैं पानी के अंदर, भैया पिकाचू तो पानी के अंदर डूब गया। ये पिकाचू के बच्चे और बाहर निकल, और पिकाचू इसके अंदर फंस गया लगता है होगी। अरे यार पिकाचू को अच्छी तरीके से तैरना भी नहीं आता भैया, हम पिकाचू को भी इस फाइट में नहीं ले सकते। हे यार पिकाचू को निकालना होगा इधर से बाहर, अरे यार इधर ही डूब गया पिकाचू, ओशन में क्या खाक तैरेगा। हे पिकाचू सॉरी यार भाई, हम तुम्हें इस फाइट में नहीं ले सकते। हाँ तो ठीक है, चार्मेंडर और पिकाचू इस फाइट से आउट हो गए, और बचे हमारे कुल मिला के अब 8 पोकेमोन्स लगता है भैया। और यार गैरेडोस को पहले ढूंढना भी है। हाँ गैरेडोस मिल ही जाएगा, होगी तो फिकर मत कर, और अंदर कुछ तो ओशन डेबिट चल लग रहा है। हाँ देख मुझे गैरेडोस, हे यार गैरेडोस तो इधर ही है भैया। ओए गैरेडोस के बच्चे, तुझे कोई नहीं रोक सकता, ये क्या हो रहा है? ओए बटरफ्ली तैयार लग रहा है। ओए गैरेडोस अब तो हमारा होने वाला है, मैंने बोला था ना होगी जो गैरेडोस, इसी को मैंने देखा था। ओए अब तुझे हमारा होने से कोई नहीं रोक सकता। हे भैया लेकिन इसको पकड़े कैसे, ये तो पानी के अंदर है। ओए पानी के बाहर इसको बुला तो नहीं सकते, लेकिन हमारे पोकेमोन भी बिल्कुल तैयार है। और चल मुन्ना सीधा पानी के अंदर जाके पहले हमें गैरेडोस को अटैक करना होगा, तभी हमारे सभी पोकेमोन मिलके गैरेडोस को एकदम वीक करेंगे। और अभी बारी है मास्टर बॉल को फेंकने का। है भैया ये लोग तो पूरा घुसमबाजी कर रहे हैं, मास्टर बॉल भी मिस हो गया। भैया हम तो मारे गए गैरेडोस के हाथ से, वो भी ओए गैरेडोस हाथ में नहीं आया। ओए इस बर्ड को ही उधर ही लेके जाएंगे मुन्ना, सीधा इधर ही स्पॉल हो गए। ओए चल मुझे गैरेडोस जैसे भी करके चाहिए होगी। हे भैया यार अब गैरेडोस मिलने वाला नहीं लगता मुझे। ओए चल कैसे नहीं मिलेगा, ढूंढ के रहेंगे उसको। अरे भैया यार गैरेडोस के चक्कर में हमारे बाकी के पोकेमोन्स बहुत वीक होते जा रहे हैं। ओए मुन्ना वो वीक नहीं हो रहे, वो फाइट करके स्ट्रांग हो रहे, तू बस चुप बैठ गैरेडोस को ढूंढ ले। ओए किधर चला गया गैरेडोस के बच्चे? हे यार भैया अगर पानी के बहुत अंदर गए तो हमें यार बाकी के पोकेमोन्स अटैक कर सकते हैं भैया, ये पानी खतरों से खाली नहीं। तू यार हमारा इतनी सारी पोकेमोन होते हुए क्यों डर रहा है तू, बस गैरेडोस को ढूंढ तो सही। अगर एक बार गैरेडोस को पकड़ लिया ना, तो कोई भी जिम क्लब का ओनर हमें नहीं हरा सकता मुन्ना वाटर फाइट में। और रहा है उन कॉकरोचेस के बाद, वो लोग क्या बोल रहे थे, ओए हमसे ताकतवर बन के आएंगे, ओए उनको भी दिखाना है ना मुन्ना। हे भैया यार दिखाना है, लेकिन इस तरीके से नहीं, अपना जान का बाजी हाथ में रख के, और उससे भी ज्यादा अपने पोकेमोन्स, भैया मुझे अपने पोकेमोन्स बहुत प्यारे हैं।
चल छुपे तू टेंटाकुल्स। ओ ये टेंटाकुल्स हमें क्यों अटैक कर रहे हैं? हे भैया क्योंकि हम इन लोग के इलाके में है। चल उस टेंटाकुल को तो हमारे बाकी के पोकेमोन देख लेंगे। गोल्डी इधर ही है। ओए गोल्डिन भाई मजा चखा दे उसको। हे भैया उसने हमारे ही गोल्डिन को लगता मजा चखा दिया। ओए हमारा गोल्डिन ओए बेहोश हो गया। चल कोई बात नहीं, लेकिन बटरफ्री हमारे पास अभी तक है। ओए ये टेंटाकुल के बच्चे, ओए तुझे तो छोड़ेगा नहीं हमारा ये बटरफ्री। हे यार गोल्डिन कोई बात नहीं, हम तुम्हें हॉस्पिटलाइज करके अच्छे बना देंगे। ओए चल वो टेंटाकुल को मजा चखा दिया हमारा बटरफ्री ने, लेकिन मुन्ना वो गैरडोस अभी दिखाई भी नहीं दे रहा है। हे भैया अब मुझे नहीं लगता गैरडोस मिलने वाला है, और वैसे भी हमें यार अभी ट्रेनिंग की सख्त जरूरत है। हमारे पोकेमॉन्स बहुत वीक है, और उससे भी ज्यादा भैया हमें केव में जाके इवोल्यूशन स्टोन्स भी तो ढूंढना है। हाँ वो सब तो मैं भूल ही गया था। चल लगता नहीं अभी वो गैरडोस के बच्चा मिलने वाला है। अरे बाबा अब उनको पता चलेगा कॉकरोच के खाने बोले तो बोल के। हाँ तो ये रहा हमारा पोकेमॉन जिम क्लब, जिधर जाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। सिक्योरिटी लावा और ये तो कुछ नहीं, सिक्योरिटी इलेक्ट्रिक शॉक जेल, और ये हो गया बेडरॉक पे कन्वर्ट। एक बार बिल्डर ब्रदर्स अगर मुलाकात हुई तो तुम लोग का हम चिंता तो चिता चिता कर देंगे। बिल्कुल रे, उन लोग ने हमें हरा के बहुत परिचित किया है ना, उनको दिखाएंगे हमारे पास क्या कुछ है। इवोल्यूशन स्टोन जिससे हम अपने हीप को इवोल्यूशन करेंगे। अरे अब उन लोग को हराना तो बाया का खेल बन जाएगा। हमारा अकेला पोकेमॉन काफी है उनके सभी पोकेमॉन्स को हराने के लिए। क्या बिल्कुल सही बोला, और इससे भी पहले उन लोग को फाइट करना होगा हमारे बाकी के पोकेमॉन से। और ये रहा हमारा नया पोकेमॉन बल्बासोर। बल्बासोर उनकी तो चार्मेंडर को बचा के रख देगा, और हमारा मियो तो उनके पिकाची को। अरे सही करके हमारा साइनी पीछे भी है। अरे अगली बार फाइट तो मजा आएगा, टक्कर की फाइट। अरे टक्कर की क्या, उन लोग का तो बाया हाथ से हरा देंगे। बिल्ले बदस बहुत बेइज्जती कर लिया हमारा, अगली बार मुलाकात हुआ तो बचोगे नहीं, क्योंकि हमें इस पोकेमॉन जिम क्लब का ऑनर और हमसे बैच लेना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। या बिल्कुल रे, और अगर वो लोग हार गए तो उनका सभी बैच हम लेंगे और बनेंगे सबसे एकदम बेस्ट जिम ट्रेनर।